हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जरा लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग बोट यानी कि नाव की ड्राइंग करना सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्केल से मैंने ये एक सीधी लाइन खींच दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद हम लोग नीचे से ऊपर उठाते हुए तिरछी लाइन खींचेंगे। ये देखिए, लेफ्ट की तरफ जो हमारा जाएगा, और ये फिर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उठाते हुए तिरछी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, जो हमारा राइट की तरफ जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने गोल कर दिया इस तरह से। इस तरह से आप बोट का शेप दे सकते हैं। चाहे तो आप नहीं भी गोल करेंगे तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह छोड़ दें। और फिर हम ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसका कर्व निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से बोट का होता है ना, इस तरह, बस इसी तरह। फिर हमें ये सब सारे रेस कर देना है। ये हो गया। अब एक हम फ्लैग बनाएंगे, फ्लैग कह लीजिए, या फिर एक डंडा भी आप रख सकते हैं। फ्लैग बनाना कोई ज़रूरी भी नहीं है, पर मैं फ्लैग बना दे रही हूँ यहाँ पर, जिससे अच्छा लगे देखने में। ये बना दिया। और फिर इस तरह से, जैसा कि बोट में दिया जाता है, इसे हम इस तरह से ड्रॉ करके, और इस तरह से एक तरह से ट्रायंगल टाइप का ये हो गया। जैसे ट्रायंगल होता है उसी टाइप का ये हो गया। इस तरह से हमें कर देना है। फिर हम कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं अपने बोट में इस तरह। ये देखिए, इसकी चौड़ाई जो है वो देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि हाँ सेम इसी तरह बनाना है। ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई हो गई। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये देखिए, इसे इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। मतलब हमें मार्जिन को बराबर रखते हुए चलना है। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा बड़ा था मार्जिन इसका यहाँ पर, तो मैं इसे ठीक कर रही हूँ। अब ये हो गया है। अब मैं एक सर्कल बना रही हूँ, दो तीन चार, जितना मन करे आप सर्कल अपना बना लीजिए। मैं यहाँ चार बना दे रही हूँ। ठीक है, मैंने चार बना दिया सर्कल। अब इसकी आउटलाइन कर देंगे पूरे में। ये पूरी आउटलाइन इस तरह से मैं सारे पूरे में आउटलाइन इसी तरह कर दूंगी, सर्कल पूरे बोट में। अब मैं बोट को ब्लू कलर से कलर करूंगी। ये इस तरह से साइड साइड, फिर सर्कल को कवर करते हुए इसे कलर करना। जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी सर्कल हो या फिर कोई भी शेप बनाओ तो उसे कवर करते हुए पहले आप उसे कवर कर ले, उसके बाद फिर आप कलर करें, तो इससे डर थोड़ा कम रहता है सर्कल के अंदर या उस शेप के अंदर जाने का, इधर उधर कलर के जाने का। तो इस तरह से कवर करते हुए फिर हम पूरे में कलर कर लेंगे। अब मैं ये ले रही हूँ गोल्डन कलर, ग्लिटर वाला कलर है ये। ये तो मेरा फेवरेट है, मैं बहुत सारे कलर इसी से करती हूँ। गोल्डन कलर से इस तरह से सर्कल को कलर कर दूंगी मैं। ठीक है, अब इसे भी इसी तरह कलर करना है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपका मन करे। अब मैं इसे रेड कलर से कलर कर दूंगी पूरे में, रेड कलर। ओके,
यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूंगी, ये रेड कलर से थोड़े थोड़े मार्जिन पे मैं रेड कलर कर दूंगी इस तरह से। उसके बाद फिर मैं इसके बीच में गोल्डन कलर फिल करूंगी। ये देखिए मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ, उसे मैंने फिल कर दूंगी पूरे में। और फ्लैग हमारा रहेगा पिंक कलर का, फैब्रिक पिंक। ये देखिए यहाँ मैं वाइट ग्लिटर का यूज़ कर रही हूँ, जो बुरादे टाइप के जो कलर होते हैं ना, वो उसी ग्लिटर का मैं यूज़ यहाँ पर कर रही हूँ। देखिए ये वाला है कलर। फिर मैं सब में इस बोर्ड पर भी मैं लगा दूँगी इसी तरह। ये कलर वाइट बुरादा है एक्चुअली ये। ये देखिए इस तरह से फ्लैग में भी मैं लगा दूँगी इस तरह से, देखने में अच्छा लगे। ओके फाइनली ये हमारी बोट पूरी हो चुकी है, देखने में भी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए मैं कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत थैंक्स। ओके फिर वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।